देखो जी, मैदान में जाओगे, कोई खिलाड़ी है तो सारे खेलने वाले हैं, कोई न कोई तो जीत करेगा। उसमें पाकिस्तान के हरियाणे कोई बात नहीं, पाकिस्तान का जीतना उसकी भी बड़ी खुशी थी, मेरा जीतता इसकी भी बड़ी खुशी है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के प्लेयर को हरा कर जो है विश्व चैंपियन बना है हिंदुस्तान का नीरज चोपड़ा, दूसरी बात वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। देखो जी, मैदान में जाओगे, कोई खिलाड़ी है तो सारे खेलने वाले हैं, कोई न कोई तो जीत करेगा। उसमें पाकिस्तान के हरियाणे कोई बात नहीं, अब बड़ी खुशी बात है, वो पाकिस्तान का जीतना उसकी भी बड़ी खुशी थी, नीरज जीतता इसकी भी बड़ी खुशी है। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो खिलाड़ियों के नाम पर जो है पहलवानी का सबसे पहले जिक्र आता था, लेकिन नीरज ने जेवलिन में करियर बनाया, हिंदुस्तान को एक नई पहचान नए मुकाम तक लेके गया। या तो है, ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे परिवार के लिए तो है ही, हम मानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है, वो आप हिंदुस्तान का बेटा है, खाली हम उस पर अपना आंख नहीं जता सकते, वो देश के लिए परफॉर्म करता है। और रही उसकी एक जीवनी, जैसे छोटा सा था तो हमारी माता जी थी, अब उनका स्वर्गवास हो गया है, 10-12-13 साल हो गए, तो उनके लाड़ प्यार उसके ज़्यादा थे, उसने काफ़ी कुछ उसको खिलाने के लिए दिया, वो मोटा बना लिया, तो फिर हमें लगा कि मोटा होने के बाद ये काम कर नहीं पाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा कुछ, और आगे दिक्कतें आएंगी इसके जीवन में, तो उसको जिम ज्वाइनिंग करवाई, जिम ज्वाइनिंग करवाने के बाद फिर वहाँ उसका मन नहीं लग गया, या मेरे बच्चे के मन में भी आता है, मैं खुल के ना बताए भाई, वो उसके काम से भाई चल मैं नहीं कर पाऊंगा, वो हटना चाहता है भाई, या मेरे को परेशान कर रहे हैं, तो हमें पता चला कि भाई जैसे वे कह रहे हैं वैसे है भी कि नहीं, तो वहां पे जाके देखा तो उसका वैसा ही मिला, लोग परेशान करने वाले ज्यादा होते हैं, छोटा बच्चा था, अब बड़े प्रैक्टिस करने वाले सभी लोग भाई तू उधर चला जा, तू उधर चला जा, यही बात थी बस। तो फिर पानीपत में एक स्टेडियम के पास ही जिम थी, उसमें उसकी ज्वाइनिंग करवाई, तो वहां ज्वाइनिंग होने के बाद फिर वहां खाली टाइम बचता था प्रैक्टिस के बाद, प्रैक्टिस के बाद तो वहां पे स्टेडियम में जयवीर था लड़का बिंजौर गांव का, उसका शॉर्ट नाम मोनू है, तो उनसे संपर्क हुआ, तो उन लोगों ने पूछा भाई तुम कहाँ से आते हो, कौन हो, क्या कर रहे हो, रोज आते हो बैठ जाते हो, तो फिर इसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे हूँ और मेरे पापा मेरे अंकल यहाँ काम करते हैं पानीपत में ही प्राइवेट सेक्टरों में, तो उनके साथ जाना होता तो मेरे पास फालतू टाइम है तो यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं प्रैक्टिस के लिए ही करता हूँ, तो ठीक है वो बोले भाई जब तू खाली बैठा ही है तो हमारे साथ लग जा। तो पहले तो जैसे मतलब वो फेंकते थे उठा के ले आया, उसको उस काम में मजा आना शुरू हो गया, इधर से उधर फेंक दिया, उधर से उधर फेंक दिया, इसी खेल खेल में उसका इंटरेस्ट बढ़ने लग गया फिर, तो उन बच्चों को भी लगा कि जैसा हम चाहते हैं उसके अनुरूप ये बढ़िया कर रहा है, इसकी लगन ज्यादा है और मन से ही सारा काम कर रहा है, तो उन्होंने इसका साथ देना शुरू कर दिया कि हमारे साथ लग जा तू। तो फिर हमें भी एक था भाई, हमें गेम के बारे में पता ही नहीं था भी ये जैवलिन क्या है, ये गेम कैसे होगा, इसमें आगे जीवन में क्या क्या होगा, तो फिर वो बच्चे 5-4 साल सीनियर हैं तो उन्होंने समझाया, हमारे को बताया कि अंकल इस गेम में इतना कुछ है भाई, हमारे देश का अभी तक कोई मेडल जीत नहीं पाया, लेकिन फिर भी इसमें बहुत आगे फ्यूचर हैं और हम इसके साथ हैं, ये बढ़िया कर रहा है। तो वहाँ चलते चलते फिर कोई नहीं होता, उम्मीद से ज्यादा नीरज ने किया, आगे क्या लग रहा है आपकी क्या तैयारी? आगे भी यही लग रहा है हमारे को कि भाई जैसे उसके अनुरोध चला हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करेगा और बढ़िया अपने देश के लिए करेगा।